दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर के एक दिन के सांकेतिक हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे पर नजर आया। सड़क व्यावसायिक वाहन नदारद रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री कैब के इंतजार में परेशान दिखे, तो प्रीपेड बूथ बंद होने से भी यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ा। यात्रियों से बात की संवाददाता विश्वजीत झा ने। रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है स्ट्राइक की वजह से। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बाहर से दिल्ली पहुंचे, लेकिन स्टेशन के बाहर आने के बाद उन्हें पता चला कि यहां से उन्हें टैक्सी नहीं मिल पा रही है। और ऐसे ही हमारे साथ एक बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, देहरादून से दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली आकर क्या पता चला? मालूम है कि यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है, यहाँ पर परेशानी सामने आई। कहाँ जाएँ, क्या करें, लैगेज भी साथ है, क्या करें, आज परेशानी मालूम है इस चीज़ का। अरे स्ट्राइक करना तो पहले से इसे कन्फर्म कर देना चाहिए था, अनाउंसमेंट कर देते कि भाई स्ट्राइक है, चलो फिर ठीक है। कैसे यहाँ पर आपको क्या व्यवस्था, कोई विकल्प नहीं दिखा यहाँ? क्या कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि टैक्सी स्टैंड है वो भी स्ट्राइक है, ऑटो स्ट्राइक है, क्या करें, कौन सा सवाल है। तो आपने क्या आखिरी में क्या कर रहे हैं, कैसे क्या करना? मैं घर से हमने उनको फ़ोन किया, घर से गाड़ी मंगा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं गाड़ी लेकर? वहीं से आई, मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद तो इन्हें मुस्तफाबाद जाना था, लेकिन यहाँ जब आए तो पता चला टैक्सियाँ नहीं चल रही है। काफ़ी लोगों से उन्होंने कोशिश भी की कि कोई जाने को तैयार हो जाए, कोई भी जाने को तैयार नहीं हो। तो अब घर से गाड़ी आ रही है और फिर ये उसमें घर तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि स्टेशन पर, मैं और भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर और भी यात्री हैं जो कि घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग कैब भी बुक करते हुए नज़र आए, लेकिन उनका कैब बुक नहीं होता। आपको कहाँ जाना है मैडम? Where you are going to work? Okay. No taxi, no cab. No. So you are waiting for cab? I'm waiting for a friend to pick me up instead. 10:50. A friend to come pick me up. Okay. तो देख सकते हैं कि ये विदेशी मेहमान भी हैं जो कि स्टेशन पर आए थे, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिली। तो अब इन्होंने अपने मित्र को बुलाया है जो कि इनको यहाँ से लेकर जाएंगे और ये सामान के साथ यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये नज़ारा स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर ये आज आम रहा। सर, कोई गाड़ी नहीं मिली क्या? देखे जा रहे हैं, ओला और वो ऊबर बुक करा रहे थे, नो वैन लिख के आ गया। अच्छा, अब देखते हैं प्रीपेड में। प्रीपेड तो बंद पड़ा है, प्रीपेड भी बंद है। इसमें क्या प्रीपेड बंद, हमको पूछ लेना। अच्छा हाँ, तो देख सकते हैं कि लोग जो हैं, ये प्रीपेड बूथ है, यहाँ तक पहुँचे हैं कि यहाँ से उन्हें सुविधा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, क्योंकि यहाँ से टैक्सी और ऑटो के लिए पर्ची कटती है। लेकिन चूँकि तमाम जो ये ऑटो का स्टैंड है, टैक्सी का स्टैंड है, देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा है। तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, करीब 41 यूनियन दिल्ली एनसीआर के, वो जुर्माने की राशि जो बढ़ाई गई है उसको लेकर संशोधित परिवहन नीति का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में आज उन्होंने पूरी दिल्ली में और एनसीआर के इलाके में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया था। तो ये जो जगह है, यहाँ पर अमूमन काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल सन्नाटा है। रात से ही जो ऑपरेटर हैं, जो चालक हैं, वो गाड़ी लेके यहाँ से जा चुके हैं। तो और जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं, वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रीपेड बूथ से भी पर्ची नहीं कट रही है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि एक यात्री थे, ये प्रीपेड बूथ पर गए, अब कोई चारा नहीं मिला, तो अब बस की तलाश में वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरी दिल्ली में ये आलम रहा कि लोग सवारी के लिए, गाड़ियों के लिए परेशान रहे। और कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन कैब थे उससे थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली, लेकिन आम तौर पर पूरी दिल्ली में हड़ताल का असर देखने को मिला। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।